सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है, क्या लग रहा था और किस तरह का रिजल्ट आया, कितनी उम्मीद थी आज? तो जितनी उम्मीदें थी उससे तो बहुत अच्छा आया रिजल्ट। देखिए मेहनत भी बहुत की थी और उस हिसाब से रिजल्ट भी आया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। परिवार में किस तरह की खुशी का माहौल है? परिवार में तो बहुत खुशी छाई हुई थी, एक नहीं दोनों बच्चों के इतना अच्छा रिजल्ट आया तो सब बहुत खुश थे, पापा मम्मी दादा दादी चाचा चाची सब बहुत खुश है। किसे प्रेरणादायी मानते हैं? टीचर्स ने भी साथ दिया, परिवार के लोग भी साथ थे। जी किस तरह का? तो बहुत सपोर्टिव माहौल था। मैंने अपने सीनियर से सुना था कि बहुत प्रेशर वाली क्लास रहती है, पर मुझे ऐसा कोई प्रेशर फील नहीं होने दिया। थैंक यू सो मच, मैं अपने पेरेंट्स को बोलना चाहूंगी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। बोर्ड के एग्जाम में भी वो छोड़ने जाते थे और उनकी विशेज, दादी का आशीर्वाद और टीचर्स का ग्रेट सपोर्ट था और इसकी वजह से इतना मैग्निफिसेंट रिजल्ट प्रोड्यूस हो पाया। परसेंटेज की बात करें तो कितनी परसेंटेज बनी और अब आगे क्या करना चाहिए? तो मेरी फाइव सब्जेक्ट्स को काउंट करें तो 96.6 है और टॉप फाइव को काउंट करें तो 99.4% बनी है। एंड आई एम गोइंग फॉर साइंस मैथ्स और मेरे को आगे IIT द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया में जाने का सपना है मेरा। दादी ने भी मुंह उठा कराया है, बड़ा खुशी का माहौल है दादी के लिए, क्या लग रहा है? बिल्कुल, दादी भी बहुत खुश है। दादी रोज अरदास करते हैं। जी सर, उम्मीद तो पूरी थी, उम्मीद ज्यादा की ही थी, पर जो रिजल्ट आया उससे भी बहुत खुश हूँ मैं। आशीर्वाद है घर वालों का, टीचर्स का, टीचर्स ने बहुत मेहनत करवाई। बस सर यही बात है, हमने तो पूरे साल स्कूल में इवेंट्स करे फिर भी ऐसा रिजल्ट आया, मैं तो बहुत खुश हूँ, कृपा है सबकी, भगवान की। क्या परसेंटेज बने हैं और आप क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं आगे? सर टॉप जनरल फाइव में 96.6 और स्किल सब्जेक्ट इंक्लूड करे 97.4% बनी है सर। कितना साथ रहा फैमिली का और टीचर्स का? फैमिली का और टीचर्स का सर जितना साथ रह सकता था उससे कई ज्यादा साथ रहा है। मतलब बोर्ड्स में ना घर पे टीवी चली ना कुछ चला, जबकि मेरे चाचा मेरे ताऊ और ये सब तो बहुत शौकीन है मूवीज के और इन सब के, पर बोर्ड्स में कुछ भी नहीं, चुपचाप सन्नाटा, हमें पढ़ने के लिए बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं, बढ़िया बढ़िया हमारी फेवरेट चीजें बनती थी घर पे, तो बहुत सपोर्ट तो बहुत रहा है। और टीचर्स ने भी बहुत मेहनत करी है, बोर्ड्स के एंड तक, प्री बोर्ड्स के बाद भी हर एक डाउट ऐसे सॉल्व कराया है बहुत मेहनत से सर। अब आगे क्या उम्मीद लेकर चल रहे हैं? आगे सर मेरी उम्मीद है मुझे IPMAT देना है, विच इज़ अ कोर्स, इंटीग्रेटेड कोर्स फॉर MBA, और सर उसके बाद CAT दूंगा, फिर UPSC की प्रिपरेशन करनी है सर। फैमिली में किस तरह का खुशी का माहौल है? बहुत बहुत खुशी का माहौल है सर, जितने मतलब खूब नाचे हैं रिजल्ट आने के बाद, तो सब इतने खुश हो गए सर, मुंह मीठा करवाया, सारे रिश्तेदारों को बताया और बहुत मजे करे सर आज तक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हेवंश्री। क्या परसेंटेज आई है और किस तरह की उम्मीद लगाकर बैठे थे? CBSE बोर्ड का रिजल्ट आया, क्या लग रहा है? मेरे 93% आए और मुझे उम्मीद भी थी कि मेरे 90 अबव आएंगे। किसका सपोर्ट रहा अधिकतर आपको, टीचर्स की माने या पेरेंट्स की माने? पापा मम्मी दादी ने और टीचर्स ने, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया जिसकी वजह से मेरे इतने परसेंटेज बने, और पापा ने, दादी ने, मम्मी ने, सब ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया। क्या लगता है आगे क्या उम्मीद है, क्या करना चाहते हैं आप? मैंने फिलहाल साइंस बायो लिए, आगे मेडिकल फील्ड में जाने का है, तो उसमें करियर अपना परस्यू करूंगी। रिजल्ट के बाद परिवार में किस तरह की खुशी है आपको? सबको बहुत खुशी हो रही है, बहुत धूमधाम है घर में, और मुझे भी बहुत, मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपने रिजल्ट से।